गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडेज माई टॉपिक इज एनालिटिक फंक्शन लेट इज स्टार्ट कोई भी फंक्शन है आपके पास एफओक्स ठीक है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वो डिफाइन आपने कर रखा है ठीक है और एफोफेक्स कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए को तो आप कहेंगे कि एफओफेक्स एनालिटिक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे कब अगर उस एफोफेक्स को रिप्रेजेंट किया जाए कैसे इन द पावर सीरीज ऑफ इन द पावर सीरीज ऑफ x माइनस ए मीन्स एक्स माइनस ए की पावर सीरीज़ में अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तभी आप क्या कहेंगे कि आपका फंक्शन कैसा है एनालिटिक है दूसरी चीज़ अगर पावर सीरीज में लिखा गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की भी बात होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस राइट तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो भी होगी वो आपकी हम डिनोट करते हैं आर से विच शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो भी होगा आपका वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्लियर है चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं नाउ इंपॉर्टेंट आपने बोल तो दिया कि फंक्शन एनालिटिक है बट यू शुड नो कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा एनालिटिक होंगे राइट तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले जितने भी आपके पास पोलिनोम होंगी राइट right? जितने भी आपके पास पुलीनोमियल फंक्शंस होंगे वो सारे कैसे होंगे एनालिटिक होंगे राइट वो सारे कैसे होंगे एनालिटिक होंगे और एक चीज और एनालिटिक एट एवरी पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स सभी पॉइंट्स पे वो क्या होंगे आपके एनालिटिक होंगे दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपके पास कि जितने भी आपके पास टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है से साइन एक्स राइट कॉस एक्स सिमिलरली आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस राइट तो जितने भी ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे कैसे हैं एनालिटिक है राइट आर एनालिटिक आर एनालिटिक फंक्शंस राइट डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है तो so, ये सारे कैसे फंक्शंस हैं एनालिटिक हैं राइट ओके थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि फंक्शन आपके साइन एक्स राइट कॉस एक्स यही जो एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल e, फंक्शन uh, हो गया आपका सिमिलरली आपके पास आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स ठीक है ये जो फंक्शन है ना आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल साइन हाइपरबोलिक राइट इसको हम कह रहे हैं कि आपके पास अभी के लिए हम कॉस को छोड़ देते हैं तो हर पॉइंट पे ये फंक्शन कैसे हैं एनालिटिक है क्लियर है. है ये चीज आपको चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कि लॉग अभी मैंने बताया कि लॉग फंक्शन भी एनालिटिक होता है लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ एनालिटिक नहीं होगा क्लियर तो log वन प्लस एक्स जो है वो आपका अगर मैं एक पॉइंट आपको दू जीरो अभी हम सारी डेफिनेशन uh, डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको सो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स जो है एनालिटिक है एट पॉइंट पे राइट right? ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कुछ ओके okay, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई रैशनल फंक्शन आ गया आपके पास राइट right? कोई रैशनल uh, फंक्शन आ गया आपके पास से वो रैशनल फंक्शन मैंने जैसे फोर्थ पॉइंट हम लिख देते हैं वो सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं जहां पर क्यू एक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डिस्कस करू यहां पर से एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने फंक्शन ले लिया आपका एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ओके तो देखो डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको पता नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या करो इसको फैक्टराइज कर दो राइट right? जब इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री क्लियर है ये चीज तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट से आपको प्रॉब्लम है उन दो पॉइंट्स को रिमूव कर दो राइट right? जिन दो पॉइंट से आपको प्रॉब्लम है उनको रिमूव कर दो बाकी सब जगह तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा ही तो वो पॉइंट्स कौन से एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री क्योंकि अगर आप यहाँ फंक्शन में एक्स इक्वल टू टू रखते हो तो आपके पास आएगा टू ओवर जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा सिमिलरली जब आप एक्स इक्वल टू थ्री पुट करते हो तब भी यही चीज आएगी मीन्स डिनोमिनेटर अगर जिन पॉइंट्स की हेल्प से जीरो बन रहा है उन पॉइंट्स को रिमूव कर दो अदर देन दोज पॉइंट्स हमारा फंक्शन क्या होगा एनालिटिक हो जाएगा राइट right? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है चलिए एक इंपॉर्टेंट जो है ना नोट दिया हुआ है इसने करके इंपॉर्टेंट नोट कुछ आपने जो ध्यान रखने हैं वो नोट क्या है आपके देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके पास क्या कि FX और जीएक्स एफ एक्स और जीएक्स आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो एनालिटिक हैं ये दोनों फंक्शन कैसे हैं एनालिटिक हैं अगर ये दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं तो आपने ध्यान रखना है एफ एक्स प्लस सम ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन Product of two analytic function are always analytic, right? Means मीन्स दो functions लिए हैं दोनों analytic hain तो उनका आप चाहे sum कर दीजिए चाहे आप उनका difference कर दो चाहे आप उनको product कर दीजिए हमेशा analytic होंगे okay? से दीज आर फंक्शन एनालिटिक एट पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स इक्वल टू a, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका सम उनका डिफरेंस उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा एनालिटिक चलिए अब क्वेश्चन माइंड में राइज हो, हो रहा होगा आपको कि ओवर को अगर जीएक्स से हम लोग डिवाइड कर दें से ओवर आपने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया तो ओवर अगर हम करते हैं तो ये फंक्शन भी एनालिटिक होगा राइट उन पॉइंट्स को छोड़ दो जहां पे जी आपका जीरो हो जाता है मीन्स कंडीशन आप कह रहे हो भाई एक्स इक्वल टू ए पे एनालिटिक होगा होगा कब होगा अगर जियो नॉट इक्वल टू जीरो होगा राइट मीन्स अगर ए पे ये फंक्शन आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उन पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा क्लियर है तो ये इसमें थोड़ी सी इस कंडीशन यहाँ डाली हुई है ये चीज आपने ध्यान रखनी है सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोल रही थी कि जो क्वेश्चन में हमें यूज करना है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है दिस इज योर ऑर्डनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स राइट ordinary and singular points of differential equation of differential equations students differential equations हमने पढ़ी हुई हैं first first year में भी हमने कुछ differential equations पढ़ी थी और second year में भी हमने अभी पी का पेपर जो किया था उसमें पूरा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ही स्टडी रही हैं लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है कोई भी कैसी इक्वेशन जो किसी ना किसी डिफरेंशियशन को कंटेन करे मींस उसमें कम से कम एक फंक्शन तो ऐसा है जो डेरिवेटिव uh, फॉर्म का हो से uh, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कहूँ मैं डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है ये चीज़ आपको इसमें एक डेरिवेटिव तो आ गया ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इक्वल टू जीरो है ही right? राइट तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होंगे दीज आर नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन चलो मेन अपने पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग हम क्या करते हैं एक जनरल इक्वेशन ध्यान रखते हैं ठीक है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पे तो वो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो अगर ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे कि कौन से पॉइंट्स इसके लिए ऑर्डनरी पॉइंट का, का काम करते हैं और कौन से पॉइंट इसके लिए सिंगुलर पॉइंट्स का, का काम करते हैं क्लियर है तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डनरी पॉइंट्स की किसकी बात करेंगे ऑर्डनरी पॉइंट्स की चलिए तो ऑर्डनरी पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी चलिए तो ऑर्डनरी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कहते हैं एक्स इक्वल टू ए अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप लेके चले हो और आप कह रहे हो कि x इक्वल टू ए ना ऑर्डनरी पॉइंट है x इक्वल टू के ए क्या है ऑर्डनरी पॉइंट है तो कब होगा ये ऑर्डनरी पॉइंट जब आपके पास से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है इसमें जो आपने फंक्शन लिए हुए ना पीएक्स और दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है क्यू एक्स ये दोनों पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होने चाहिए एनालिटिक होने चाहिए एटेक्स इक्वल टू ए एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू ए तो अगर ये दोनों एनालिटिक है एक्स इक्वल टू ए पे तब आपका एक्स इक्वल टू ए किसका काम करेगा ऑर्डनरी पॉइंट का इफ इफ एक्स इक्वल टू ए इज नॉट ऑर्डनरी पॉइंट नॉट ऑर्डनरी पॉइंट ध्यान रखना दोनों ऐसा नहीं है सिर्फ एक है फिर भी आप कह रहे हो एनालिटिक नो बोथ राइट

रेगुलर सिंगुलर पॉइंट राइट दूसरा आपके पास कौन सा होता है इररेगुलर राइट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट एक आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दूसरा आ जाएगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्लियर है अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ठीक है आपने दो टाइप्स बता दी कि ऑर्डनरी नहीं है तो डेफिनेटली सिंगुलर होगा लेकिन 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 अगर सिंगुलर पॉइंट है तो वो दो टाइप्स का आपने बता दिया कि रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा और इरेगुलर आप कैसे उसको स्पेसिफाई करोगे राइट right? तो चलिए बात करते हैं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा तो अगर मैं कहूं टू ए यही तो point आप लेके चल रहे हो अगर x equal to a के लिए आपके पास आपने क्या किया थोड़ा सा ना चेंजेस कर दिया कैसे कि x माइनस ए इंटू पी कर दिया आपने और दूसरा क्या किया जो qx था ना उसको x माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर चेक किया आपने कि क्या अब ये एनालिटिक है क्या अब ये डिफ्रेंशिएशन पोजिस्ट करते हैं क्या अब इनके पास डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता है मीन्स अब x इक्वल टू ए पॉइंट के लिए इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब ये जीरो तो नहीं बन रहा है अब ये इंफिनिटी तो नहीं बन रहा है राइट मीन्स डिनोमिनेटर में अब तो इन्फिनिटी नहीं बन रहे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके सारे डेरिवेटिव मीन्स एनालिटिक हो गए फंक्शंस अब आपके मीन्स ये वाले फंक्शंस आपके एनालिटिक अगर हो गए तो आप क्या कहेंगे एक्स इक्वल टू ए कैसा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है राइट right? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कह देंगे इेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर भाई x इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर दिया पी एक्स को x माइनस ए के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्यू एक्स से तो फिर अगर एनालिटिक हो जाते हैं दोनों फंक्शंस तब तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा अगर इसके बावजूद भी वो एनालिटिक नहीं होता है मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका एनालिटिक नहीं बनता है तब आप उस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे x इन दैट केस विल बी इेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्लियर है ये चीज़ आपको तो उस टाइम आप इसको क्या बोल देंगे सिंगुलर पॉइंट तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी एक क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं ऑर्डनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी x इक्वल टू ए आप एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लेके चले हैं तो x इक्वल टू ए को आप बोल रहे हो ऑर्डनरी पॉइंट कब बोलेंगे इसको ऑर्डनरी पॉइंट जब पी एक्स और क्यू एक्स दोनों एनालिटिक हो जाएंगे x इक्वल टू ए पे फिर आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा ऑर्डनरी मतलब ऑर्डनरी पॉइंट मीन्स एनालिटिक नहीं हो पाते तो वो ऑर्डनरी पॉइंट्स नहीं होंगे ऑर्डनरी नहीं होंगे तो कैसे पॉइंट्स होंगे वो सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे अगर वो सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो दो तरह से होंगे आपके पास इसकी दो टाइप्स होंगी फर्दर चेक करना है की पी एक् एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दू और एक्स माइनस ए के स्क्वायर को अगर क्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर दू अगर, अगर ये अब एनालिटिक हो जाते हैं तब आप इनको बोल देंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर तब भी नहीं हो पाता है तब आप उसको क्या कहेंगे दीज आर इेगुलर सिंगुलर पॉइंट ओके स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कि एक्सरसाइज एक सिक्स पॉइंट थ्री का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इसी की हेल्प से आपको बाकी समझ भी आ जाएंगे कि क्या डेफिनेशन थी चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो आपको ये दिया हुआ है और क्या कहता है कि ना वेरीफाई करो वेरीफाई करो कि ओरिजिन राइट वेरीफाई करना है कि जो ओरिजिन है ना वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है क्या है

तो जैसे कि दिया हुआ है इसने आपको टू एक्स स्क्वायर राइट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू राइट प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू वाई दिस इज इक्वल टू जीरो ये आपको गिवन है तो अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं अभी मैंने आपको बताया था डी टू वाई ओवर डी एक्स टू होना चाहिए प्लस पी एक्स इन टू डी वाई बाय डी एक्स होना चाहिए और साथ में होना चाहिए क्यू एक्स इक्वल टू जीरो अगर ऐसा है तब तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इस फॉर्म की नहीं दी हुई है इस फॉर्म का बना लो जिस क्या करना पड़ेगा थ्रू आउट आप टू एक्स स्क्वायर से डिफाइड कर दो तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी जिस गिव्स अस डी टू वाई ओवर डी एक्स टू राइट प्लस जब आप इसको x को डिवाइड करेंगे टू एक्स स्क्वायर से तो आपके पास आएगा वन अपॉन टू एक्स राइट डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स प्लस वन यहां क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई दिस इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ अब मैंने कंपेयर किया कंपेयर करके मेरे पास आया कि पी एक्स की जो वैल्यू है ना वो तो क्या है वन ओवर टू एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास ओवर ये वैल्यू है है आपके पास ठीक तो अब आपने क्या करना है यहां पे आपने पी एक्स को देखा मुझे ना एक्स इक्वल टू जीरो चेक करना है और रीजन पे तो बोला है इसने तो एक्स इक्वल टू जीरो आप जैसे एक्स को जीरो रखोगे ना ये तो इन्फिनेटी बन रहा है राइट फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा तो एनालिटिक की तो बात दूर है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पी एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे एक्स से वहाँ x माइनस ए से करते थे ना तो ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो चल रही है सो दिस इज x इंटू पी एक्स राइट तो ये आ जाएगा x इंटू वन अपॉन टू एक्स विच इज इक्वल टू वन बाई टू ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है राइट right? और कॉन्स्टेंट है तो हमेशा एनालिटी की होता है उसके बाद हम बात करते हैं क्यू एक्स की तो क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्सक्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया नीचे भी आपका एक्सक्वायर ही चल रहा है तो आपके पास आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये आ गया अब इसको जीरो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये फंक्शन एनालिटिक हो गया तो आपके पास क्या आया जो पी एक्स है वो भी एनालिटिक हो गया और एक्सक्वायर इंटू क्यू एक्स ये भी एनालिटिक हो गया राइट तो हम क्या कहेंगे एक्स इक्वल टू जीरो किसका का काम कर रहे हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का ये आपको चेक करना था तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है सबसे पहला काम सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीएक्स क्यू तो तभी मिलेंगे ना जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे अब ये स्टैंड ये ऐसा थोड़ी है कि आपने देखा डायरेक्ट आपने कहा कि ठीक है डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो है वो पी एक्स नो इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है ठीक है तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी सो ट्राई योर एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री दिस इज फॉर ऑल टूडे थैंक यू